नमस्कार दर्शकों, ईटानगर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज हम खड़े हैं अभी निकुम नेहा हॉल पर निर्जली के, और यहाँ पर होने जा रहा है निशी आदिल का जनरल ऑडिशन, और ये इसे ऑर्गेनाइज किया है निशी आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी ने। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आए हैं, कैंडिडेट्स आए हैं निशी आइडल के लिए। चलिए उनसे जानते हैं वो क्या गाने वाले हैं आज। थोड़ा नर्वस तो है लेकिन पहले भी गा चुका है, ट्राई करके देखेगा। मैं पप्पू पारे से। पप्पू पारे से तो निशी आइडल क्यों बनना चाहते हैं? निशी आइडल हमारा निशी के लिए ही एक मतलब क्या बोलेगा, हाँ प्लेटफॉर्म है एक यूथ के लिए, इसलिए। तो मतलब सिंगिंग आपने सीखा है कभी? नहीं सीखा तो नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुरंग तचुंग है। ओके मुरंग तचुंग, कहाँ से आए? हम कुरुंकुमे से है। कुरुंकुमे से ना, आज क्या गाने वाले? आज निशी और हिंदी होगा। अच्छा, तो आप थोड़ा सा गा के सुना सकते हैं? दो जिगे दो न्याके न्याक पे सुपी के। तो हमें लगता है कि हमारे यहाँ पे म्यूजिशियंस लोग भी आए हुए हैं, चलिए उनसे जानते हैं। बांसुरी ये बांसुरी नहीं बांसुरी, ये है मेरी जिंदगी। तो अभी और कंटेस्टेंट से मिलते हैं, आप सभी को दिखाते हैं, और इसके बाद जो ऑडिशन होने वाला है उसका भी हम आप सभी को अपडेट देते रहेंगे। मुझे अच्छा लगा, मेरा हिसाब से मैं बाकी का राय मालूम नहीं। पालो ये जा बना लो जकरिया दी कुने लो, मालो ये जा बना लो। पांचों के ओर से आपको हम लोग सिलेक्ट करता है, और आज अभी तक जो जितना कंटेस्टेंट आया है तो हम लोग पांचों की तरफ से बेस्ट है आप। थैंक यू सर, देखकर आया, बरकरार रहिए, आइए। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ मौजूद है निशी आर्ट एंड कल्चर वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन और उनके सहयोगी, चलिए उनसे जानते हैं निशी आइडल के बारे में। सर, आज जो निशी आइडल का जो जनरल ऑडिशन हो रहा है, तो कितने सारे कंटेस्टेंट्स आए हैं? आज तो करीब 100 का आया है, तो उसमें हम लोग तो डिस्ट्रिक्ट में जो पहले आइडल कर चुका है उसको, डिस्ट्रिक्ट आइडल रह चुका है, उनका ऊपर में हम लोग फर्स्ट रनर अप और विनर को हम लोग रखा गया है फर्स्ट एंट्री करने के लिए जर्नल में ना। मतलब उनका ऑडिशन नहीं होगा सर? ना, उसको ऑडिशन नहीं होगा, वो ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्ट हो चुका है। अभी जो हम लोग दे रहा है कॉमन जो है कि जितना या कोई कैपिटल में है
कोई कोई आसम में है, कोई अपर सबनसरी में है, उनका ऊपर में हम आज जितना जो भी पर्स एडिशन हम लोग ले रहा है, जनरली ले रहा है, उनका ऊपर में अभी जो हम लोग जो अभी जो कर रहे हैं कि यहाँ कोने कोने में कहीं भी अलग अलग स्टेट में रहा तो उनका ऊपर में हम लोग जैसे कि आपका सियांग बेल में होगा होता होगा वेस्ट सियांग बेल वेस्ट कामिंग बेल में उनका ऊपर में आज हम लोग ले रहा है कॉमन। सर जो मेगा ऑडिशन होने वाला है उसमें कितने कंटेस्टेंट आप लोग सेलेक्ट करेंगे उसके बाद वहाँ पर उन लोगों को रिफाइन करना है? मेगा उसमें हम लोग का करीब 20 सेलेक्ट करेंगे। 20 सेलेक्ट करने के बाद और डिस्ट्रिक्ट वाला को दो डिस्ट्रिक्ट का दो दो सेलेक्ट करके उसका ऊपर में हम लोग जनरल में प्रोग्राम जनरल में आएगा। उसका बाद हम लोग पर्स एलिमेंट्री राउंड सेकेंड एलिमेंट फाइनल होगा ऐसे करेंगे। तो आप दर्शकों को कहाँ पे बुलाना चाहेंगे? आप लोग का वेन्यू बता दीजिए, उसके बाद क्या क्या होने वाला है आगे का एजेंडा वो बता दीजिए। पर्स हम लोग का जो अभी पर्स आज जनरल ऑडिशन लिया है उसका बाद हम लोग तो ये मेगा ऑडिशन लेने के बाद उसका बाद पर्स एलिमेंट्री राउंड को हम लोग डी के हॉल में होगा ईटानगर। इसलिए सभी को मैं जनजाति हमारे स्पेशली निसी जनजाति को मैं रिक्वेस्ट है जितना भी यंग एजेंडिक आर्टिस्ट लोग और यहाँ का पहले का जो कोई लेजेंडरी हो है कोई सीनियर आर्टिस्ट लोग को मैं रिक्वेस्ट है आप लोग भी विटनेस कर आइए और जितना जनजाति लोग हो ये हम लोग का निसी जनजाति समाज को यंग बडिंग आर्टिस्ट को हम लोग ले जाने के लिए अब तक 3 ईयर्स में हम लोग कॉन्टेक्ट कर जाता है निसी आर्ट एंड वेलफेयर सोसाइटी ने ना उसमें हम लोग का जो निसी आर्ट एंड कल्चर वेलफेयर सोसाइटी इज एफिलिएटेड बॉडी ऑफ द नेस पार्ट ऑफ नेस उसका ऊपर में जो हम लोग का इलीट लोग जो हम लोग को सजेस्ट देता है से हम लोग 3 ईयर्स का बाद हम लोग ये कॉन्टेक्ट करते हैं। सर ये निशी आइडल में जो जीतता है जो भी कंटेस्टेंट जीतता है क्या उसे आगे ले जाने के लिए आप लोग का कोई सहयोग होता है या फिर आप लोग कहाँ तक ले जाते हो? तो उसको हम लोग का हम निशी उसको हम अपना नेक्स्ट लोग का कंसल्ट करके हम किस जगह में जैसे नॉर्थ ईस्टर्न में होगा इंडिया आइडल में होगा उसको हम लोग ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे। करता है पहले से ऐसे है कोई उधर अगर सिलेक्ट कर जाता है तो हम आगे ले जाने के लिए हम कोशिश करता है। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो जूरी मेंबर्स रखेंगे आप लोग जूरी मेंबर जो जजेस होंगे वो कहाँ से होंगे और कौन कौन होंगे? सर कोई लेजेंडरी टाइप जैसे कि सीनियर सिंगर होगा एक्सपीरियंस लिरिक्स होगा उनका ऊपर में हम लोग जज को रखता है। हम लोग यहाँ इसे उन्हें से आज का दिन में अच्छा चीज़ नहीं चौथा चीज़ के लिए तो मीडिया में आ जाता है इसलिए हम उसमें हम लोग का कुछ कॉम्प्रोमाइज इसे नहीं है कि आप जैसे कि जज लोग जैसे सिलेक्ट हुई होगा। तो दर्शक अभी हमारे साथ मौजूद है तोको तेनी जो कि हमारे अरुणाचल प्रदेश के सबसे पहले निशी आइडल है। चलिए उनसे जानते हैं कि इस सीज़न यानी कि सीज़न 7 के बारे में उनका क्या कहना है। ये एक हम लोग का निशी बोले तो एक स्टेट लेवल कंपटीशन है तो इसमें बहुत लोग डिस्ट्रिक्ट से जो प्रिफेयर करके तो डिस्ट्रिक्ट आइडल आइडल करके आता है तो यहाँ में बहुत टफ होता है और कंपटीशन जो और मैं सभी से जितना भी यहाँ में कंटेस्टेंट आया है उसे सभी से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्राई कीजिए।